बच्चे मेरे पास एक ग्राफ का एक और क्वेश्चन है। देखो मुझे मोड का ग्राफ खींचना है, यानी कि मोड एक्स वाले फंक्शन का, यानी कि मुझे इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है बच्चे, तो देखो इसको जानने के पहले आपको मोड की जो जानकारी है वो चाहिए। तो आपने छोटे क्लास में भाई क्या पढ़ा है कि देखो हम जब इस मोड एक्स को तोड़ते हैं तो यहाँ से मुझे दो वैल्यू मिलती है। देखो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एन इक्वल टू होगा तो यहाँ से मुझे ये जो मोड के अंदर है वही मिल जाएगा, देखो ना। और अगर इस एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, मतलब कि भाई मान लो कि मैंने यहाँ कह लिया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, है ना, तो बच्चे ना अब देखो जो मोड होता है ना वह अपने अंदर निगेटिव नंबर को पॉजिटिव के रूप में चेंज करने की क्षमता रखता है। तो भाई आप बताओ अगर यहाँ मान लो हम माइनस वन लेंगे और हम कहेंगे साहब ये मेरा माइनस वन कैसे आपका पॉजिटिव में होगा, तो आप बोलोगे सर ठीक है भाई इसके आगे एक और माइनस लगा दीजिए, ठीक है ना। तो देखो यही गुण होता है इस मोड एक्स में, जो मोड एक्स है ना वह देखो अपने जीरो या जीरो से किसी भी बड़े वैल्यू के लिए जो अंदर होता है बस वही देता है, लेकिन अगर हम छोटा नंबर लेते हैं तो आगे एक और यहाँ पे क्या करता है, आगे यहाँ पे एक और सिंबल लगा देता है, मतलब क्या जी एक और माइनस लगा देता है, ठीक ना। जैसे मान लो यहाँ पे हम मोड टू है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टू, मोड थ्री है तो क्या हो जाएगा थ्री। देखो लेकिन अगर यहाँ पे हम मोड फाइव क्या लिखे, मोड माइनस फाइव लिखे, तो मैंने क्या बोला कि अगर मोड के अंदर आपका नेगेटिव नंबर है तो मोड एक ना हम जब इसको ओपन करेंगे थी ना, तो इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे एक और माइनस आ जाता है, यानी कि जो अंदर है माइनस फाइव, तो क्या आ जाएगा फाइव। देखो मैंने यहाँ पे भाई लिखा कि ना अगर यह नंबर जीरो से छोटा है यानी कि माइनस में, तो आगे यहाँ पे एक और माइनस साइन लग जाता है। तो बच्चे देखो अब मुझे इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। तो देखो ना बच्चे इसमें ना देखो सबसे पहले देखो ना जो मॉड के अंदर है एक्स, इसको भाई क्या मानते हैं, इसको हम क्या लेते हैं जीरो से, है ना, जो अंदर होता है भाई उसको क्या मानते हैं जीरो। तो ना अब मुझे इस पॉइंट के तहत तो मुझे इसका ग्राफ खींचना है, तो यहाँ बनाएंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ठीक है। ये कितना होता है वन, ये टू, ये थ्री, यहाँ आपका होता है जीरो, ये होता है माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, माइनस फोर, वन टू थ्री, ठीक है बच्चे। तो बच्चे ना आप देखो ना आप जब यहाँ से इसको क्या लिए जीरो के बराबर लिए, यानी कि यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल गई जीरो, ठीक ना। और अब आपको इसी जीरो से इसका ग्राफ खींचना है, ठीक ना। तो बच्चे देखो देखो ना मान लो ना मैं अगर देखो मान लो कि मैं अगर इसमें देखो इस देखो ना मैं अगर इसमें क्या बोल रहा है कि x ग्रेटर देन जीरो, बच्चे आप बताओ ना मान लो कि मैं अगर यहाँ से देखो ना इस x की वैल्यू अगर क्या लूँ जीरो से बड़ा लूंगा, मान लो कि यहाँ क्या लूंगा वन, तो मुझे यहाँ देखो बच्चे क्या मिल जाएगा वन, ठीक है। अब देखो मान लो बच्चे कि मैं x में क्या लूँ, मैं अगर टू लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा टू, अगर यहाँ थ्री लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा थ्री। तो बच्चे देखो ना ऐसे मुझे x के ग्रेटर वैल्यू लेने पे, जैसे मान लो यहाँ ले लिया मैंने मॉड x, यहाँ पे x बराबर क्या ले लिया वन, यानी कि मॉड वन, तो क्या मिल जाएगा वन। अगर x बराबर क्या लूँ टू, तो मॉड टू बराबर टू, ठीक ना। तो फिर मैंने यहाँ पे एक बार x लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा वन मिल जाएगा, जब x की वैल्यू जब मैं टू लूँगा तो टू मिल जाएगा, थ्री लूँगा तो थ्री मिल जाएगा, ठीक ना। और देखो अब मान लो कि ऐसे हम अगर मिलाएँ तो मेरा ऐसे लाइन जा रहा है, ठीक है बच्चे ना। और देखो सेम कहानी देखो यहाँ पे देखो ये मेरा हो गया इसके लिए, ठीक ना। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए, यहाँ देखो तो क्या बोला है कि वेन एक्स लेस देन जीरो, तो बच्चे आप बताओ मैं अगर यहाँ से एक्स की कोई छोटी वैल्यू लूँगा, चलो मान लो कि मैंने क्या लिया माइनस वन, तो ये मान लो कि आप अगर यहाँ पे माइनस वन लोगे तो यानी कि मॉड माइनस वन मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस वन यानी कि वन, यानी कि मुझे वन मिल जाएगा। मान लो कि आप अगर यहाँ पे एक्स वैल्यू माइनस टू लोगे तो मोड माइनस टू की वैल्यू टू, अगर ये लेंगे तो मुझे फिर यहाँ पे टू मिल जाएगा, फिर माइनस थ्री लेंगे तो मुझे ऐसे थ्री मिल जाएगा, ठीक ना। और इसको अगर ऐसे मिलाएं, ठीक ना, तो मुझे ये हो जाएगा मोड एक्स का ग्राफ, मुझे मोड एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो यह था मोड एक्स का ग्राफ। और बच्चे थोड़ा आप देखो ना, देखो यह जो हम है ना, देखो हम जो ये मोड एक्स का जो ग्राफ खींच रहे हैं, देखो ना वह कहीं मेरा पेन नहीं उठ रहा है ना, मतलब किसी भी पॉइंट के साथ हम जब इसका जिसको मिलाते हैं तो मेरा जो ये मार्कर है, जो मेरा यह पेन है, यह कहीं क्या उठा नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चे हम यहाँ से इसको ऐसे भी कह लेंगे, क्या जी, तो इसको थोड़ा ऐसे लिखो, डेट इज फंक्शन एफ एक्स बराबर मोड एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर जीरो,
देखो ओ आर आर, देखो ना यहाँ पे लिखो ओ आर आर एट, लिखो क्या x बिलोंग टू और डियर नंबर, क्योंकि भाई ना देखो यहाँ क्या लिए, माइनस वन लिए, माइनस टू लिए, माइनस थ्री लिए, फिर वन लिए, टू लिए, थ्री लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे आप क्या देख रहे हो कि जो मोड x है, ठीक है ना, वह x के हर रियल वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे जो मोड होते हैं, मतलब जो भी आपके मोड हैं, वह अपने अंदर x के हर वैल्यू के लिए क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो यह था मोड का ग्राफ। अच्छा बच्चे मान लो कि मैं इसमें एक और मोड का क्वेश्चन लूँ, एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस टू, देखो इसका। अब आप बोलोगे सर इसका कैसे होगा, तो देखो सिंपल मैंने क्या बोला, देखो ना पहले इस जो मोड के अंदर है उसको जीरो ले लो, यहाँ पे क्या ले लेंगे एक्स माइनस टू बराबर जीरो, यानी कि एक्स बराबर टू। तो बच्चे देखो ना हम जो इसका ग्राफ ऐसे खींचेंगे ऐसे, देखो बच्चे ना इसमें मुझे देखो अब जो इस मोड का जो ग्राफ बनता है वह क्या बनता है, वह एक शार्प पॉइंट से जाता है, ठीक ना। तो मतलब क्या हुआ कि आप जब यहाँ से x बराबर टू यहाँ फाइंड कर लिए, ठीक ना, तो जो इसका अब ग्राफ बनेगा वो तुम्हारा पॉइंट टू से बनेगा, कहाँ से, टू से, यानी यहाँ से बनेगा, ठीक ना, यहाँ से बनेगा, यहाँ ले लो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ठीक ना। तो चलिए देखो जो वो जो ना जो अब इसका ग्राफ बनेगा, देखो ना वो तुम्हारा पॉइंट टू से बनेगा, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे आपका ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। आप इसको रब पे ड्रा कर सकते हो, ठीक है ना। देखो और अब देखो आप बोलोगे सर यह मेरा अगर ऐसे हो एफ एक्स बराबर देखो ऐसे हो तो कैसे बनेगा, तो सिंपल देखो हम पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, इसको जीरो कर लेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे जीरो, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा माइनस थ्री, ठीक है ना। और जो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वह वैसा वैसे होगा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, है ना। देखो ये क्या है माइनस थ्री ना, यानी यहाँ से बनेगा ऐसे आपका यह इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो बच्चे आपका यह था मॉड एक्स प्लस थ्री का, और साहब आपका यह था मॉड एक्स माइनस टू का, ठीक है ना। आई थिंक यह आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा और समझ में आया